में काम जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो आज हम आए हुए हैं बरावली। बरावली ज़िला गांछे का बहुत ही खूबसूरत विलेज है और ये डिस्ट्रिक्ट गांछे हेडक्वार्टर खपुर तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। अभी हम आए हुए यहाँ अब बरा में एक फिश फार्म पे। सबसे पहले आपको ये फिश फार्म दिखाते हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ पे मछलियाँ यहाँ पे पाल के रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी मछलियाँ हैं ना, इसको इस पोर्शन में ये सारे इसमें हैं और इसमें उससे थोड़े छोटे किस्म के फिश यहाँ पे हैं। सबसे जो छोटे हैं वो इस पोर्शन में हमें नज़र आ रहे हैं। वली के एक मोहल्ले में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ये जो सारे यहाँ पे घर बने हुए हैं ना, वो सारे के सारे लकड़ी और पत्थर से बनाए गए हैं और पूरे पुराने तरह के हमें घर मकानात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये सारे लकड़ी से बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, और ये नीचे वाले ये पत्थर से बनाए गए हैं। हम आपको मस्जिद दिखाते हैं, प्योर ट्रेडिशनल ये विलेज है और यहाँ के जो सारे के सारे घर इसी तरह ही बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? नाम का अब्दुल मालिक जी, आपका घर है। देख सकते हैं ये है एक मस्जिद। ये भी इंटरेस्टिंग बात, आप ये भी देखें, ये भी
लकड़ी से ही बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे मुसल्ले बिछाए गए हैं और नमाज यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह बाकायदगी से। ये आप देख सकते हैं अंदरूनी मंजर, ये देखें, ये देखें। अब लोग ये पूछेंगे कि ये क्या चीज है, तो ये है जनाब चुरंग। तीन चार वीडियो में मैं अपने आपको पूरा वीडियो ही इस चुरंग के ऊपर बनाया था। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल बास्केट चुरंग। ये देखें दोस्तों, ये चश्मे का पानी आप देख सकते हैं, ये चश्मे का पानी ना सारे मतलब यहाँ बरावली के जो सारे खेतों को ये आबाद करते हैं। ये देखें यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ है और कितनी खूबसूरत ये झील सा बना है, आप देख सकते हैं। तो बरा में ना आजकल के इस मौसम में ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये लकड़ी जो इस कोल के बाहर ये लगाए हुए है, हर जगह हमें नज़र आ रहे हैं। हम खुद भी परेशान थे ये हर जगह पे ये क्यों लगाए हुए, अभी हमारे समझ आए कि ये जो आप देख सकते हैं, वैसे तो बल्तिस्तान में इस मौसम में ख़ासकर इस सीज़न में जो भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह होती हैं वो हमेशा घरों तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन बरा में हमने ये चीज़ देखी कि भेड़ बकरियाँ यहाँ पर आज़ाद छोड़ी हुई हैं। तो ये इसलिए कि ये भेड़ बकरियाँ ना सिर्फ इस हद तक महदूद रहे ना, वो इन चीज़ों में जो घास वगैरह है ना ये सिर्फ खा सके, और उस साइड पे यहाँ के जो बरावली के खेत वगैरह है ना वो सारे जानवरों से महफूज रह सके, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे हमें हर जगह पे नज़र आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये है जनाब देसी चक्की, यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, ये फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में बंद पड़ा हुआ है,
ये देख सकते हैं आप, ये हमारे शुक्र भाई इसको खोल रहे हैं। चलें आप इसके अंदर हम चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है देसी चक्की, यहाँ पे आटा तैयार होता है। और मेरे ख्याल में फिलहाल अभी ये बंद पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल देसी चक्की। ये देखें यहाँ से कंट्रोल किया जाता है इसे। और ये देखें, ये इसमें ना गंदम के दाने यहाँ पे डाले जाते हैं। और ये देखें, ये कंट्रोल करके ना थोड़े थोड़े इसमें फेंके जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर ये घूमने लगता है ना, ये आटा पीस के यहाँ पे तैयार होता है। तो ये चीज़ ना अभी मेरे ख्याल में ख़त्म होती जा रही है, लेकिन बरा में ये चीज़ हमें अभी तक नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह से ये अभी यहाँ पे चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ।